मेरा नाम अक्षय कुमार, ये मारुति सुजुकी इग्निस का बिल्कुल टॉप मॉडल जो कि अल्फा वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। 7,61,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पर आपको उस कार का बिल्कुल टॉप मॉडल मिल जाता है। और आपके अंडर 8 लाख रुपीज को ये ऐसी कार देख रहे हैं जिसमें आपको सभी हाई एंड फीचर्स मिल जाए, देखने में भी अच्छी लगती हो कार, तो आप इसके अल्फा वेरिएंट को देख सकते हैं। काफी अच्छे फीचर्स आपको उस कार के टॉप मॉडल में ऑफर करे जाते हैं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ शाह कुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर रुड़की उत्तराखंड में। इसका जगह जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है वो इस कार का जेटा वेरिएंट है, जो कि इससे एक लोअर वेरिएंट है। पर लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं टॉप मॉडल में तो क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करे जाएंगे, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक। जेटा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट में 65,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है, पर फीचर्स में भी काफी डिफरेंस रहेगा इतने प्राइस में। कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आप आफ्टर मार्केट भी नहीं करा सकते हैं, जो कि आपको इसके टॉप मॉडल में ऑफर करे जाएंगे। वो सब देखते हैं व्हाइट कलर में देखने में कितनी बढ़िया लग रही है कार। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सेकंड जो भी और कार्स आती हैं, जैसे सिलेरी हो गई, स्विफ्ट हो गई, सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है लुक के मामले में किसी को कौन सी पसंद आती है। पर लेकिन टॉप मॉडल देखने में काफी बढ़िया लगता है LED डायल्स ऑन होने के बाद, और बैक से भी देखने में काफी बढ़िया लगती है। एक्सटीरियर तो काफी बढ़िया रहने वाला है। क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो सब कुछ इस वीडियो में देख लेंगे। ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, उस साइड में दिए गए इंडिकेटर्स, LED DRLs और क्रोम ग्रिल मिल जाएगी आपको। सुजुकी का हो गया लोगो, फोग लैंप्स हो गए, सिल्वर स्किड प्लेट हो गई। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट यानी कि जेटा वेरिएंट से कंपेयर करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल को, तो सिर्फ आपको LED DRLs, LED हेडलैंप्स मिल जाएंगे। फोग लैंप्स आपको लोअर वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रिल और सिल्वर स्किड प्लेट तो आपको बेस वेरिएंट से ऑफर करी जाती है, जो काफी बढ़िया बात है कि आपको बेस वेरिएंट से भी काफी अच्छे फीचर्स आपको उस कार में ऑफर करे जाते हैं। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। इस कार में आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। जेटा वेरिएंट से ऑफर करे जाते हैं आपको इस डिजाइन के अलॉय व्हील्स। ऊपर साइड होगी ब्लैक कलर की क्लैडिंग, फेंडर पे आपको ब्लैक कलर के लाइंस मिल जाएंगे, यहाँ पर बोनेट पे 2 बोशर मिल जाएंगे। और ये रहा इस कार का ORVM जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिया जाएगा। इंडिकेटर ORVM पर हो गया, बॉडी कलर में एक कलर हो गया ब्लैक कलर का। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाएगी, जिस वजह से जो इस कार की जो हाइट है वो थोड़ी ऊंची लगती है देखने, अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो। और डोर हैंडल्स हो गए बॉडी कलर के, रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा डोर पर। और ये रहा इंटीरियर इस कार का जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगता है डुअल कलर में। और क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में दिए गए हैं वो सब कुछ वीडियो में देख लेंगे। और ये रहे ORVM के कंट्रोल जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेंगे। और यहाँ पर आपको लाइंस मिल जाती हैं। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल, ऊपर साइड हो गया एंटेना, रेयर स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रेयर बाइफर डिफोगर, बहुत से जैसे फीचर्स दिए जाएंगे आपको उस कार में। और ये इसकी टेल लाइट जो कि हैलोजन में रहेगी, चाहे उसका कोई सा वेरिएंट ले लीजिए आपको LED टेल लाइट नहीं मिलती है। लेकिन इसकी होगी बैजिंग, सुजुकी का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब चलिए मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको उस कार के बूट में ऑफर करा जाता है। और 260 लीटर का दिया जाएगा आपको उस कार में बूट स्पेस। लगेज लैंप हो गया, 5 सीटर भी आपको दी जाती है, इस टाइम नहीं लगी हुई है। और ये रहा स्पेयर व्हील। तो ये तो बात इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आपने देखा कितने फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर में ऑफर करे जाते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके लोअर वेरिएंट यानी कि जेटा वेरिएंट से, जैसे मैंने आपको बताया 65,000 रुपीज का तो रहने वाला है इस कार में प्राइस डिफरेंस। और फीचर्स जो एक्सटीरियर में आपको ऑफर करे जाएंगे ज्यादा, जैसे LED DRS हो गई, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रेयर पार्किंग कैमरा, कुछ ऐसे फीचर्स तो आपको एक्सटीरियर से ऑफर करे जाते हैं इस कार में। और इंटीरियर में भी काफी बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं वो सब कुछ वीडियो में देख लेंगे। प्राइस जो रहने वाला है इस कार का वो भी काफी बढ़िया रहने वाला है। 7,61,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। इतने प्राइस में आपको बेस मॉडल या फिर सेकंड बेस मॉडल ही मिलते हैं इतने प्राइस में। जो बलिनो का भी हो गया आपको इसमें सेकंड बेस वारंटी मिलेगा। और इतने प्राइस में आपको इतने बढ़िया डायमेंशन की कार मिल जाएगी, फीचर्स भी देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। LED DRLs ऑन होने के बाद तो फ्रंट से देखने में काफी बढ़िया लगती है कार। अगर आप इस कार का जेटा वेरिएंट देख रहे हैं तो आप इस वाले वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको ऐसे फीचर चाहिए तो। और इंटीरियर में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं करवा सकते हैं। तो ये रहा इस कार का इंटीरियर, जैसा मैंने आपको बताया दिया डुअल कलर में रहने वाला इंटीरियर कार का, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। और ये रहा ड्राइवर साइड डोर, ये भी आपको डुअल कलर का दिया जाएगा। डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ORVM कुछ तरह के कंट्रोल्स रहेंगे लॉक अनलॉक के लिए। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन विंडो मिल जाएगी, चौरफा विंडो कंट्रोल्स हो गए। और ये ग्रैब हैंडल जो कि सिल्वर कलर में हो गया। वाटर बॉटल रखने के लिए स्पेस और डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, स्पीकर। और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगेगा इंटीरियर कार का। और ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट को गया फीचर और रिक्लाइन करने का। और ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर नो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, 500 ml की बोतल ही आएगी इसमें सिर्फ, और स्पीकर।
पूरा प्रीमियम रहने वाला है इंटीरियर इस कार का। सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस वाले वेरियंट में। सबसे पहले स्वागत हूं मैं इस कार के स्टेयरिंग व्हील से ही। तो लेदर स्टेयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं मिलता है, स्टेयरिंग मॉडिट कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सुजुकी हो गया लोगो और सिल्वर फिनिश दी जाती है। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार का वो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बीच में हो गया स्पीडोमीटर, यहाँ पर दिया जाता है आपको आरपीएम मीटर। और ये एमआईडी जिसमें इसका रेंज कार कितना चल गया, कार क्या माइलेज दे रही है, टेम्परेचर और फ्यूल जैसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखती रहेंगी। वो इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रिप लगा सकते हैं। और ये ड्राइवर साइड एसी वेंट सर्कुलर में दिया जाएगा, क्रोम हो गया सर्कुलर में, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का हो गया यहाँ पर बटन, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी बटन। और ये सेंटर कंसोल इस कार का 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको इस कार में, जो कि एंड्रॉइड ऑटो रैपर कारप्ले के साथ रहता है। देखने में काफी बढ़िया लगता है, छोटे साइज का रहता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश होगी साइड में, एसी वेंट्स हो गए दोनों साइड में, हजार लाइट का हो गया बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाती है जो कि आपको उसके लोअर वेरिएंट में ऑफर नहीं करी जाती है। एंफोटेनमेंट सिस्टम तो आपको उसके लोअर वेरिएंट से इसी तरह का ऑफर कराया जाता है, पर लेकिन एसी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसी वेरिएंट से मिलती है। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट, थोड़ा स्पेस हो गया, कप होल्डर्स रहेंगे, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार। यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा, पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, यहाँ पर ग्रे फिनिश रहने वाली है। और ये रहा हैंड ब्रेक, वो ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैंटी मेरा आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सेफ्टी कट होल्डर मिल जाएगा, IRBM जिसमें आपको मैनुअली डेनरमेंट करनी पड़ेगी, कैबिन लैंप हैलोजन में रहेगा ये। और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल हो गया फ्रंट में। और ये फ्रंट सीट्स इस कार की जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट्स रहेंगी ये जिन पर कुछ तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये इस कार का ग्लव बॉक्स काफी ठीक ठाक साइज रहने वाला है, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। और ये को ड्राइवर साइड डोर में हो गया सिल्वर कलर का, ग्रे फिनिश मिल जाएगी, यहाँ पर व्हाइट कलर है तो आपको यहाँ पर ग्रे कलर मिल जाएगा, ब्लू कलर की होती कार तो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल पे ब्लू कलर मिल जाता। बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस, स्पीकर हो गया, पावर विंडो कंट्रोल। तो ओवरऑल कुछ सकता था फ्रंट सीट पर बैठ कर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब लेके चलो उस कार की रियर सीट पर, वहां पर आओ कितना स्पेस और फीचर्स वहां पर ऑफर करे जाते हैं वो सब कुछ हम देख लेते हैं। तो वैसे कितना लेग रूम रहेगा इस कार में, रियर सीट पर बैठ कर उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड। फ्रंट में कैबिन लैंप हो गया जैसे मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन आपको यहाँ पर कोई कैबिन लैंप नहीं मिलता है, छोटा कैबिन है तो जरूरत भी नहीं रहने वाली है। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है, 60-40 में आप रियर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, यहाँ पर रियर एसी वेंट्स नहीं है, आपको बताई दे छोटा कैबिन रहने वाला है तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं रहती है, कुछ साइज को हो गया यहाँ पर हम। और ये बैक डोर डोपन हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गया, यहाँ पर आपको क्रीम कलर मिल जाता है। बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया। तो ओवरऑल कुछ सकता है इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। तो वैसे हमने कितने फीचर्स आपको उस वाले वेरिएंट में ऑफर करे जाते हैं जो कि अल्फा वेरिएंट रहने वाला है। अगर आप अल्फा वेरिएंट देखते हैं तो इंटीरियर में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगी जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते अगर उसका जेटा वेरिएंट ले रहे हैं तो। और एक्स्ट्रा में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED DRS मिल जाएंगी, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर, पडल लैंप्स, रियर पार्किंग कैमरा, कुछ ऐसे फीचर्स आपको अल्फा वेरिएंट में ऑफर करे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं अगर आप 65,000 रुपीज़ में ग्रेड करते हैं तो, देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगती है कार। जैसे मैंने आपको प्राइस बताया दिया इस कार का, 7,61,000 रुपीज़ के प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। इग्निस का वाला वेरिएंट किसी और कार से नहीं, अपनी बलिनो से कॉम्पिटिशन करता है उसके डेल्टा वेरिएंट से। अगर आप बलिनो का डेल्टा वेरिएंट लेते हो तो 16,000 रुपीज़ कम प्राइस में है, उसी से कॉम्पिटिशन ये करती रहती है, पर लेकिन आपको उसमें इतने फीचर्स नहीं मिलते हैं जितने आपको उस वाले वेरिएंट में ऑफर करे जाते हैं। लेकिन इसके टॉप मॉडल में इसमें आपको LED DRS मिल जाएंगी जो कि आपको बलिनो के डेल्टा वेरिएंट में ऑफर नहीं करी जाती हैं, नहीं आपको उसमें अलॉय व्हील्स मिलेंगे, पर लेकिन बलिनो के डेल्टा वेरिएंट में भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, स्टीयरिंग मॉडिट कंट्रोल्स, LED टेल लाइट जो कि आपको इग्निस के टॉप वेरिएंट में भी ऑफर नहीं करी जाती है, रियर डिफोगर हो गया, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई, कीलेस एंट्री आपको उसमें नहीं मिलती है, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए जो कि आपको बेस एंड से ही ऑफर करे जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे पर लेकिन LED RS नहीं रहते हैं उसमें, ना ही फोग लैम्प्स रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कौन सी कार आपको पसंद आ रही है। अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेस्ट डील तो यही रहती है आप इग्निस के अल्फा वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हैं बलिनो को इग्निस को तो मार्केट में काफी टाइम से आ रही है इग्निस, और जो बलिनो है वो न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में, अभी उसका फेसलिफ्ट आया है तो आप फिर बलिनो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आपको इस कार के कोई सी वेरिएंट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।